दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पुर्तगाली शब्द। दोस्तों, पुर्तगाल से ही हमारे रसोई का राजा आया है, जिसका नाम है आलू। और उसी प्रकार पुर्तगाल से कुछ शब्द आए हैं जो हमारी हिंदी भाषा में इस प्रकार बस गए हैं, जैसे समोसे में आलू। तो हम देखते हैं दोस्तों, पुर्तगाली शब्द अलकतरा, अनानास, अर्थात जो आपने पाइन एप्पल का जूस पिया होगा, वो उसे क्या कहता है, कहा जाता है अनानास, वो पुर्तगाली शब्द है। आलपिन, हर ऑफिस में उपयोग होती है आलपिन, ये पुर्तगाली शब्द है। आलमारी, हर घर में आलमारी का प्रयोग होता है। बाल्टी, किरानी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, आया मतलब बच्चे को संभालने वाली औरत, उसे क्या बोला जाता है, आया। इस्पात, इस्पात मंत्री, आपने सुना होगा भारत के इस्पात मंत्री, अर्थात लोहे की जगह हम इस्पात कहना कबूल करते हैं, तो ये इस्पात। स्त्री, प्रेस को क्या कहा जाता है, स्त्री। कमीज, शर्ट को क्या कहा जाता है, कमीज पुर्तगाली में। कनस्तर, पीपा अर्थात डिब्बा, डिब्बे को क्या कहा जाता है, कनस्तर। कमरा, काजू, क्रिस्तान, गमला, हमें बचपन से क्या पढ़ाया जाता है हिंदी भाषा में, गा गमले का, लेकिन आप आज भौचक्के हो जाओगे, गमला शब्द पुर्तगाली शब्द है। गोदाम, गोभी, किसने गोभी नहीं खाई होगी, तो आलू गोभी ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। तौलिया, नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, फरमा, आइसक्रीम बनाने का क्या होता है दोस्तों, फरमा। बुताम, मस्तूल, मेज, लबादा, रजाई या फिर शॉल को क्या कहा जाता है दोस्तों, लबादा। साया, सागू, साबुन, फालतू, फीता आदि, ये सब दोस्तों पुर्तगाली शब्द हैं। और ये हमारे रसोई में, हमारे बेडरूम में, हमारे बिस्तर में घुस गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।